बैठ के करने वाले तीन आसनों का अभ्यास करेंगे। ये पहला जिस हम आसन में बैठे इस आसन का नाम है दंड आसन। क्या नाम है इसका? दंड आसन। और दंड आसन में बैठ करके ही लगभग सभी बैठ के करने वाले आसन की शुरुआत करते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और आपस में ऐसे फंसाते हैं और ये हाथ बिल्कुल सीधा रखें और सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को पैर के अंगूठे पर ले जाकर के धीरे से ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने का प्रयास करेंगे या रख देंगे? घुटना नहीं उठाना है। फिर सांस को भरते हुए पीछे की तरफ आना है। फिर सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ चक्की चलाने जैसा, जैसे जाता पीसती है तो उसी का आसन है। इसका नाम है चक्की आसन। घुमाइए माता जी, घुमाना है, बैठना नहीं उठाना। केहुनी को नहीं मोड़ना है और घुटना को नहीं उठाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ घुमाइए। करिए धीरे धीरे। केहुना के नहीं उठावे के आ केहुनी के भी नहीं मोड़े के। अभी बैठ जाइए बाबू जी, बीच ना कर। पांच पांच बार करिए धीरे धीरे। जिनको गैस है, जिनको कब्ज है, जिनको पेट निकला हुआ है, पेट से चर्बी है, जिनका जांग मोटा हो गया है और जिनको घुटना में दर्द है, जिनको साटिका है, जिनको गठिया है, फिर उल्टा करिए सब अभ्यास कर। पूरा पीछे झुक सकते हैं आप। पीछे झुकने के लिए कोई रुकावट नहीं है और आगे झुकने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपसे बल पड़े उतना घुमाते रहिए धीरे धीरे। आगे ले जाइए। आगे जब जाते होंगे तो नीचे में नस लग रहा होगा, बेचारा लग रहा है ना, तो कभी भी वो स्टैटिक नर्व रहता है नीचे तो वो कभी स्टैटिका नहीं होगा, घुटना दर्द नहीं होगा, तलवे में जलन नहीं, एड़ी में कभी दर्द नहीं होगा और पिंडली में भी कोई समस्या नहीं, जांग से लेकर के और तलवे तक कभी आपको लकवा नहीं मार सकता है जीवन भर। तो इसका नाम है चक्की आसन। क्या नाम है इसका? चक्की आसन। अब दूसरा आप आसन करेंगे स्थित कोण आसन। पैरों को खोल लीजिए, पैर फैला ले जितना फैल सके आपसे, जितना जगह है। हाथों को फिर खोल लीजिए इसे आप। अब सांस भरिए पूरा और सांस को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के ऊपर ले जाना है इसे और बाएं हाथ को पीछे ले जा करके और देखना है इसे। ऐसे क्रॉस करते हैं दाहिने हाथ को बाएं पैर पर, फिर सांस को भरते हुए फिर सीधा हो जाइए। फिर सांसों को छोड़ते हुए बाएं हथेली को दाहिने पैर के ऊपर ले जाते हैं और दाहिना हाथ पीछे ले जाते हैं। बहुत अच्छा। अब यही अभ्यास हम लोग 10 बार करते हैं धीरे धीरे। घुटना नहीं उठाइएगा। करो अभ्यास करो धीरे 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 करे, किसी में लगे नहीं ऐसे। पीछे देखिए, पीछे की तरफ देखता है। ये भी गैस के लिए, कब्ज के लिए, घुटना दर्द के लिए, साटिका के लिए, गठिया के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। बैठे बैठे ना 50 बार आप कर लेंगे तो लाभ देना शुरू हो जाएगा। घुमाइए घुमाइए। आप आपका तो पेट निकला है थोड़ा, माफिल तो जबरदस्त है, मारिए। मेरा समर्थन रोक दीजिए।